अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तुर्कीज़ादा एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ आज वेनेजिया मेगा आउटलेट मॉल। बहुत फेमस मॉल है और बहुत स्पेशल है। तो अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और आप मेरे पीछे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है एक तो वहाँ पर, और तो अभी हम वहाँ चलते हैं और अंदर चल कर देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा अपना हैश कोड, तो मैं अपना हैश कोड देख के अंदर लेकर चलता हूँ आपको। तो मैं आ गया हूँ फ़िलहाल अंदर। तो ये अंदर मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो ये कुछ इसका डिज़ाइन है, ये देखिए मतलब अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरह डिज़ाइन करा गया है, कौन सी शॉप किधर है, कितने ब्लॉक हैं, कहाँ वो ये वाटर है, कहाँ तक कहाँ कितना है, तो ये पूरा बता रखा है यहाँ पर। चलिए और अंदर चल के देखते हैं। LCK वाइकी की मतलब ये एक स्टोर है जहाँ मतलब आप क्लोथ खरीद सकते हैं और बहुत चीप प्राइस होते हैं इसके। तो काफ़ी खूबसूरत मॉल है और बहुत मतलब एक तो ओल्डेस्ट मॉल है। तो आइए चलते देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब बोट चल रही हैं। तो काफ़ी अमेजिंग जगह है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके। और पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर हैं और ये जो मतलब बोट जाने का है इसका बहुत बड़ा रूट भी है। तो आइए हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। तो अभी फ़िलहाल मैं इधर अपने लेफ़्ट हैंड साइड आया हूँ। तो इधर काफ़ी मतलब व्यू है अच्छा और यहाँ पे मतलब पूल भी है। तो इधर मतलब होटल है और इधर जो स्टोर है मैं आपको उसके अंदर भी लेकर चलूँगा कि स्टोर भी किस तरह अंदर क्लोथेस हैं और क्या चीप प्राइस में सामान है। तो मैं भी आपको अंदर भी लेकर चलूँगा, पहले मैं पूरा आपको मतलब ये मॉल जो है पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं अच्छे से और फिर चलते हैं यहाँ पर, मतलब देखते हैं क्या क्या है और चीज़ें। तो आपको जैसे कि इधर मैं वैसे लेफ़्ट हैंड साइड आया था तो इधर काफ़ी सारे मतलब होटल्स फूड आइटम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तो ये डोनर है, ये डोनर है, ये दुर्नेरची है, दुर्नेरची KFC है। तो इधर सिर्फ ना फूड आइटम्स हैं सारे। तो ये पूरा एकदम फूड आइटम से भरा है और काफ़ी स्वीट्स आइटम भी हैं इधर। और ये तो पॉपी आइसक्रीम का स्टोर है, ये वाला ये पॉपी बहुत फेमस आइसक्रीम है यहाँ की। तो इस साइड को मतलब सीधा फूड आइटम्स है और जो वो मतलब लेक है जो मतलब जिसमें यहाँ पे बोट चल रही हैं वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। और फोटोग्राफी की काफ़ी सारी चीज़ें भी बना रखी हैं यहाँ पे, आप फोटोग्राफी कर सकते हो कहीं भी किसी के साथ। तो उसके लिए फोटोग्राफी फ़ोटो खींचने के लिए भी अलग सी जगह बना रखी है यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए ये हार्ट शेप बना रखा है पीछे रेड कलर का, इस पर हम फ़ोटो खींच सकते हैं कई सारे तरीके से। तो आइए और देखते हैं यहाँ पे और चीज़ें। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है और काफ़ी अच्छा मॉल है, मतलब ये पूरा एकदम सर्कल ही है लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल और ऑसम प्लेस है। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं और
यहाँ पे जो मतलब स्टोर हैं, जो चीज़ें हैं और खाने पीने का तो बहुत सारा आइटम है यहाँ पे। वैसे जैसे यहाँ बर्गर किंग है अब साइड रेस्टोरेंट, पास्ता दी पेन, तो इधर भी काफ़ी सारे मतलब फूड आइटम हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ना पूरा मतलब फूड से ही भर रखा है। तो अभी हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर, उधर जो स्टोर हैं उस स्टोर पर चलते हैं, क्योंकि फूड आइटम्स में तो बर्गर पिज़्ज़ा और यहाँ पे तो डोनर चिकन यही सारी चीज़ें हैं, रोल वगैरह। तो अभी हम फ़िलहाल चलते हैं सेकंड साइड, जहाँ देखने को मिलेगा मतलब जो स्टोर हैं उनके अंदर भी लेकर चलूँगा आपको कि क्लोथ के क्या प्राइजेस हैं। तो चलिए LCYKIKI में चल कर देखते हैं इस स्टोर की क्या स्पेशलिटी है, क्यों ये इतना फेमस है और क्या क्या वजह है, तो अंदर चल के देखते हैं चलिए। तो मैं अंदर आ गया हूँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ भी हैं, मतलब यहाँ पे शूज़ भी मिलते हैं। तो वाओ, काफ़ी बड़ी बकेट है, तो मतलब यहाँ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे कितना मतलब चीप प्राइस में सामान मिलता है। ओहो 199, वो 119 में और 79 में इसका मतलब जो प्राइस में बेच रहे हैं LCYKIKI में। तो ऐसे हमें सारे मतलब जो भी इनके रियल प्राइसेस होंगे इन पे, उनसे हमें काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा। जैसे 139 का है, 59 में दे रहे हैं। तो इसी तरह सारे क्लोथ के यही हिसाब से हैं, और जो भी मतलब बैग शूज़ और चाइल्ड के मतलब जो बच्चों के क्लोथ्स होते हैं वो भी हमें यहाँ मिल जाएंगे, बच्चों के बैग मिल जाएंगे। तो ये इसलिए फेमस है। और एक और वजह ये है कि यहाँ ये ना LCYKIKI बहुत कम जगहों पे खोलते हैं अपने स्टोर, क्योंकि इतना चीप प्राइस के होने की वजह से कोई भी इन्हें ख़रीद सकता है और फेमस होती हैं। जहाँ भी आप देखेंगे मतलब LCYKIKI तो आपको इसी तरह क्राउडेड दिखेगा ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये देखिए ये 119 का है, 109 का, तो इनको ना इनके माइनस करके ही बेच देते हैं, सेल करते हैं, तो इसलिए बहुत चीप प्राइस में है। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पे मतलब शॉपिंग करें। ये देखिए कैसे मतलब बकेट में ले जा रहे हैं लोग, तो आप इस चीज़ से सोचिए मतलब यहाँ पे कितना सस्ता और कितना चीप प्राइस में सामान मिल रहा है। तो एयर के मतलब यहाँ पे जो मतलब जेंट्स के क्लोथ्स होंगे वो हमें ज़ीरो में मिलेंगे और -1 में हमें मिलेगा बच्चों के। तो शूज़, सॉक्स, बैग सब मिलेगा हमें यहाँ पे। देखिए बच्चों के लिए सॉक्स हैं, ये शूज़ हैं 99 में, कोई सा भी हम शूज़ ख़रीदेंगे हमें 99 में मिलेगा। तो चलिए चल के देखते हैं दूसरी शॉप स्टोर में। तो मैं अभी जा रहा हूँ किसी और स्टोर पे, जहाँ मतलब ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए अच्छा सा। वैसे यहाँ पे ना काफ़ी फेमस स्टोर हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइक है, अडिडास है, लुफ्ट है, मतलब ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना उनके छोटे छोटे स्टोर यहाँ पे भी हैं। और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर मतलब जो LCYKIKI पे जो क्राउडेड एरिया हो रहा था वहाँ पे, तो उस उतना यहाँ पे किसी और स्टोर पे नहीं है, क्योंकि 50% ऑफ भी लगा रखा है तब भी यहाँ पे मतलब इतना कोई वो नहीं रखा, वो मतलब जो LCYKIKI में स्पेशलिटी है ना वो यहाँ पे इन पे नहीं दी। तो आप देख सी कैसे खाली है पूरा स्टोर ये। वैसे मतलब इनके जो मतलब क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि LCYKIKI थोड़ा सा जो मतलब ओल्डेस्ट क्लोथ होते हैं उनको मतलब कम प्राइस में बेचते हैं। और जो ये चीज़ें हैं तो ये मतलब जो इनकी फ्रेश चीज़ें होती हैं एकदम न्यू क्लोथ, इसलिए इनका मतलब ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो भी आप माने तो वो ज़्यादा बेटर होता है टू फॉर बाय एनीथिंग। तो ये तो मतलब मॉल है पूरा, मैंने दिखला दिया आपको। तो वैसे बिल्डिंगें भी काफ़ी अच्छी हैं ऊपर जो इसके दिख रही हैं ये। तो चलिए और देखते हैं अंदर क्या क्या है। वैसे यहाँ पे शूज़ और बैग्स और क्लोथ के तो बहुत ज़्यादा स्टोर हैं, जैसे ये देखिए। बैग्स शूज़ तो बहुत हैं, तो चलिए और चलते हैं कहीं देखते हैं। तो मैंने ऊपर काफ़ी सारे स्टोर्स सर्च करे, लेकिन मुझे जो LCYKIKI में जो रश था ना वो और किसी स्टोर में नहीं मिला।
वैसे मतलब अदिदास, नाइक, बर्गर किंग और मतलब स्टारबक्स, ये जो इंटरनेशनल कंपनी है इन पे तो मतलब थोड़ा क्राउड रहता है, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं, इन सारी कंपनियों के बारे में। तो मैं तो ऐसी कंपनी देख रहा था, जैसे एलसी बाइकी की है, जैसे तुर्की की कंपनी है, इस पर कितना रश था मैंने आपको दिखलाया। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना बेसमेंट में चलते हैं, यहाँ पे बेसमेंट में काफ़ी ब्यूटीफुल और ऑसम व्यू है। तो ये देखिए मैं भी फ़िलहाल बेसमेंट में हूँ, बेसमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। ये देख मैं आपको दिखलाता हूँ पूरा मतलब सर्कल करके, क्योंकि जैसे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो मैप था वैसे उस तरह ये बेसमेंट भी उसी तरह है। तो लेट्स गो। और अगर हमें मेट्रो भी मतलब मेट्रो का इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पे मेट्रो भी बना रखा है, ये जो एलिवेटर हैं ये सीधा हमें मेट्रो के पास ले जाएंगे नीचे। वैसे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखा है नीचे, लाइटनिंग ज़्यादा कर रखी है, और जो मतलब ऊपर टॉप रूफ है उसका मतलब जो ब्लू कलर से स्काईलर बना रखा है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया है। तो ये स्टोर है बुफले, यहाँ पे ए को ना ई पढ़ते हैं, तो बुफले। वेस्टल, ये थोड़ा किचन आइटम, ये देखिए ओवन, स्टोव, तो मिक्सी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। वेस्टल मतलब ये यहाँ पे कोई मशीन कंपनी होगी। फ्रिज देखिए, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, टीवी, आई थिंक ये पूरा मैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाएंगी अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे मतलब पब्लिकली शो नहीं करना पसंद करते। तो चलिए यहाँ फोटोग्राफी करा सकते हैं, ड्रेस चेंज करके मतलब जो पुराने ज़माने की चीज़ होती है उनका इस्तेमाल करते हैं हम, फोटोग्राफी अच्छी तरीके से खिंचवा सकते हैं जैसे इन्होंने खिंचवाई है, तो हम यहाँ खिंचवा सकते हैं। तो बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा ही रश है। और ये देखिए रिलैक्सिंग चेयर, इसमें हम 1 रुपीज़ कॉइन डालेंगे, मतलब 1 लीरा कॉइन डालेंगे, तो ये ना वाइब्रेट होने लगी, वाइब्रेशन से हमारे बॉडी को ना रिलैक्स मिलेगा, तो उसे वो रिलैक्सिंग चेयर कहलाती है। तो नीचे मतलब वो ज़्यादातर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें होम मेड मतलब जो होम में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखिए मतलब मैट, कारपेट और क्लोथ तो वैसे नॉर्मल यहाँ पर ऊपर ही मिल रहा था। ये किचन आइटम जो हमें नॉर्मली फ्राई पैन, कुकर, जो बर्तन चाहिए होते हैं जो हमें अपने घर के खाने पकाने में, फूड कुक करने में जो ज़रूरत पड़ती हैं, ये तो सर्विंग थिंग्स हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी स्टोर हैं यहाँ पे। ये तो मोबाइल स्टोर है, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये कुछ चीज़ें बता रखी है, जैसे इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं कौन सी चीज़ क्या क्या है, यहाँ पे कहाँ है, किस साइड है। जैसे हमें गेम सेंटर ऊपर, रिव्यू इन्फीमेर, ये समझ आया मेरे, ओ लिफ्ट के लिए, ये स्ट्रीट जहाँ मतलब हमें एलिवेटर मिलेगी, फूड कहाँ मिलेगा, प्रे कहाँ, नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं, और करेंसी चेंज मतलब यहाँ पे चेंजिंग करेंसी भी हो रही है। इन्फॉर्मेशन किसी समय अगर कुछ पूछना हो तो वो बैठे हैं, ये इंसान पूछ सकते हैं अगर हमें इनसे यहाँ कुछ भी पूछना हो।
और पार्किंग तो ऑब्वियसली यहाँ से और नीचे यहाँ पे, तो पार्किंग तो ऑब्वियसली यहाँ पे है नीचे। और वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है नीचे आके। ये नीचे कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स हैं जो गर्ल्स के इम्पोर्टेंस होती हैं, जैसे मेकअप वगैरह। तो काफ़ी सारे मतलब इस साइड में कॉस्मेटिक आइटम मिल जाएंगे गर्ल्स के लिए, मेकअप्स का आइटम, बैग, जो भी उनके मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे चैन है, बैग मिल रहे हैं गर्ल्स टाइप्स, एयर बैंड्स, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो हैं गर्ल्स के लिए ही हैं यहाँ पे इस साइड पे। इनके लिए क्लोथ्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस साइड कॉस्मेटिक का सामान है, जैसे कि ये सारी मेकअप का पूरा आइटम है इनके पास। गोल्डन रोज नाम है इनकी स्टोर का। और ये कुछ बच्चों का सामान है। इस साइड पे काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए मतलब टॉयज बना रखा है, एक प्लेग्राउंड बना रखा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एक तो ये मतलब अंदर जो बच्चे ट्रेन में चल रहे हैं, मतलब ये ट्रेन सर्कल अपना ऑटोमेटिक है, सर्कल घूमता रह गए। और एक ये बड़ी ट्रेन है जिसमें मतलब पेरेंट्स भी घूम सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन पूरे में राउंड लगाती है। और एक तो इस साइड है जो अंदर जा सकते हैं हम, अंदर जाने के लिए हमें एक कार्ड बनवाना पड़ता है, तो उस कार्ड से हम अंदर जा सकते हैं। और अंदर भी वैसे काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर, डायनासोर, ड्रैगन, ब्रिचिड, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं। तो ये देखिए पहले तो मतलब डायनासोर दिखा दिया यहाँ पे, तो और अंदर चल के देखते हैं। मतलब वैसे तो कार्ड लगता है, हमें अंदर नहीं जा सकते ज़्यादा, तो मैं आपको बाहर से दिखलाता हूँ वैसे। तो काफी सारे गेम्स और काफी सारी चीजें हैं अंदर। तो वैसे तो मुझे अभी कार्ड बनवाना पड़ेगा और आई डोंट नो वेयर आई हैव टू गो टू मेक अ कार्ड। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ बाहर, और मैंने बेसमेंट और ऊपर का पूरा कवर अप दिखला दिया आपको, मतलब पूरा ये मॉल दिखला दिया है। इसको मेगा आउटलेट मॉल भी बोलते हैं। और आपको इसका डायरेक्शन देखना है तो मैं इसकी लिंक मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में इस जगह की लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए तो मेरे चैनल का बैक आइकन ज़रूर दबाइए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।